सो ऑल राइट ही गाइज व्हाट्सएप एवरीबडी आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में मेरा नाम है सारवेंद्र और आप यहाँ आके मेरा जो न्यू कंसेप्ट है चॉकलेट वाला चॉकलेट डे के ऊपर तो आप यहाँ आगे सपोर्ट कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं और अगर आपको इसकी पी एन जीज चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन दिस, में जाएँ वहाँ मीडिया फायर की लिंक होगी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विन रार यूज़ करना पड़ेगा ऐप जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और इजिली आप ऐसी इमेज क्रिएट कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड हैसल ठीक है तो उसमें पाँच फाइल्स होंगी उसमें से आप आपको पी रखनी होंगी तो वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ रखनी है कैसे कैसे कौन सी पी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी सो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है ठीक है तो सीधा बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड सपोर्ट करना पिछली वीडियो पर थोड़ा कम सपोर्ट था तो प्लीज़ इस बार इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना एंड बी कंसिस्टेंट भाई सब सारी वीडियो को सपोर्ट करो कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कंटेंट डालूँ वो नहीं इस वीक पूरा कंटेंट आएगा और थ्रो रहता रहेगा पूरा आएगा तो जब सबसे जल्दी स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड के साथ तो ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जो मैंने क्रिएट कर रखा है ये चॉकलेट वाला बैकग्राउंड मैंने क्रिएट कर रखा है और ये पी मैंने ले रखी थी पी ट्री या किसी साइड से था ठीक है तो आपको कहीं जाना वाना नहीं है घूमना नहीं है इतना ठीक है तो यहाँ मैंने ये एक डब्बा ले रखा था जो डब्बे डब्बे से मैंने बिल्कुल एक आउटलाइन क्रिएट कर रखा था कि हाँ यहाँ पे ये परफेक्ट रहेगा ठीक है तो जो भी अब इसको आपको स्केल करना है सो ये परफेक्ट स्केल हो गया है ठीक है अपनी जो भी इमेज होती है आपको वो परफेक्ट स्केल करके रखनी है और माइट भी आपको ब्लैक ही पहनना चाहिए थोड़ा सा आप ब्लू भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है थीके? अब बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है जो इसमें सबसे पहले डलेगा वो रहेंगी चॉकलेट्स क्योंकि चॉकलेट्स आएगा फिर उसके ऊपर हैंड आएगा वो मैं बताऊंगा आपको क्यों है, ऐसा मैं कर रहा हूं तो ये चॉकलेट्स हैं और ये बिल्कुल अच्छे से आपको मैनेज करनी है कि ये आ जाए ठीक है और देखना ये जो ऊपर तीन डॉट्स हैं यहाँ पे ये ये क्रॉस ना हो जाए इससे तो वो थोड़ी ऑड सी लगती हैं और ट्राई करें कि ये पूरा बॉक्स है वो कवर हो जाए ठीक है सो यहाँ ये परफेक्ट लग रहा है मुझे अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है इसके ऊपर हाथ ठीक है हाथ के बिना यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से मैंने हैंड अपना पहले ही कट आउट कर रखा है आप भी कट कर सकते हैं इसे ईजिली और फिर जहाँ आपकी हुडी या जो भी है वो होगा वहीं पे आपको इसे ले जा प्लेस कर देना है फटाक से तो ये देख सकते हैं आप परफेक्ट लग रहा है ठीक है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया अब यहां पे ठीक है ब्लैंड व्लैंड जो भी होता था वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ब्लेंड क्रिएट हो गया है अब हेयर्स की बारी है जो हेयर होते हैं थोड़े से इसमें फ्रीजी हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कटेड लग रहे हैं तो ये हेयर की पीएनजी है अगर आपके पास नहीं है तो, तो अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग इसे ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना फिर यहाँ से इरेज फिर यहाँ से इरेज तो वो अपने हेयर के अकॉर्डिंग आप देख लेना इसमें सारे टाइप्स से ऐड कर रखे हैं लाइक लेफ्ट राइट ऊपर साइड में सारी जगह हैं हेयर्स ठीक है तो यहाँ से इसे मैं डन कर देता हूँ अब उसके बाद जो इसमें एक लास्ट चीज़ रह गई है वो है थोड़ी सी शेडो क्योंकि बिना शेडो के ये काम ही नहीं करेगा बिल्कुल भी परफेक्ट तो यहाँ से थोड़ा साइज़ इंक्रीज थोड़ा सा ही करेंगे हार्डनेस ज़ीरो और चालू हो जाते हैं हम ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा ही पेंट कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में इरेज करेंगे अब इरेजर जो रहती है उसकी साइज इंक्रीज रखना ओपेसिटी कम हार्डनेस बिल्कुल कम और अब धीरे धीरे यहाँ से आप ऐसे इरेज करेंगे तो एक परफेक्ट शेडो आ जाएगी आपके पास ठीक है आपने ऐसा ही इधर भी करना है और फिर इसे भी इरेज कर देना इधर से ठीक है अब आप देख सकते हैं शेडो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और इसे डन कर देना और टिक करके आप आ जाना लाइट रूम की तरफ सो लाइट रूम में यहाँ हम इसे कलर ग्रेड करेंगे बहुत अच्छे से ठीक है तो ये है सेव्ड वाली इमेज हर बार यही आती है तो ये आ गई है अब इसमें जो आपने काम करना है वो है टेम्परेचर थोड़ा ब्लू की तरफ जाएगा हल्का सा और इधर भी रख सकते हैं लेकिन ब्लू थोड़ा प्रेफर करूँगा मैं इस बार और टेंट को थोड़ा इधर मजेंटा की तरफ ठीक है और वाइब्रेंस इंक्रीज करेंगे क्योंकि जो चॉकलेट्स हैं वो पॉप नहीं हो रही है यहाँ पे ठीक है पॉप होने के बाद विनेट डालना है विनेट बहुत तगड़ा काम करता है इसमें और थोड़ी क्लैरिटी एनहेंस कर लेना टेक्सचर भी और मिक्स में आके जो आपका ब्लू कलर है उसको थोड़ा सेचूरेट करके पॉप कर देना उससे आप देख सकते हैं चॉकलेट में ग्लो आ गया होगा ठीक है अब उसके बाद थोड़ा सा जो एक्सपोजर में सेटिंग रहता है वो करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं शेडोज़ को हमेशा ओपन रखें तभी इमेज अच्छी दिखती है नेट पे और ब्लैक का भी थोड़ा ध्यान रखें और यहाँ ये बिल्कुल सही लग रही है अभी थोड़ा सा सेचुरेशन और ऐड कर देते हैं जिससे पॉप लग जाए और फिर यहाँ इसे सेव कर देते हैं और थैंक यू गाइज आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को देखा है एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग एंड पीस